ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਛੋਟੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। का संघर्ष बिल्कुल जायज है। किसान पिछले 15-20 दिन से लगातार शांतिपूर्वक ढंग से अपने जो गुस्सा और अपना आक्रोश है व्यक्त करते आ रहे हैं। उनकी नरमे की जो फसल है वो तबाह हुई है, वो उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इसमें कुदरती क्रोप भी तो है ही और सरकार ने जो एक बड़े बेईमानी ढंग से जो दवाई खरीदी दो कंपनियों से, बायर से और पाइनियर से, और जिसमें बहुत अंडर हैंड डील हुआ और जिसकी जो तारे हैं वो मुख्यमंत्री दफ्तर तक जुड़ती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी उस पर दस्तखत किए हैं। तोता सिंह जी से जुड़ती हैं जो कि कृषि मंत्री हैं, उनसे जुड़ती हैं और मंगल से ढिल्लों से जुड़ती हैं। तो सिर्फ मंगल से ढिल्लों को अकेला जो निशाना बनाया गया है उसकी बजाय ये मुख्यमंत्री साहब को और तोता सिंह को भी निशाना बनाया जाए, इनके ऊपर भी मुकदमे चलने चाहिए, इनको नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जो किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं वो मर रहे हैं। वो आज कल ही 3 किसानों ने खुदकुशी की है। मैं किसान को समर्थन, मेरा किसानों को संघर्ष के लिए पूरा समर्थन है और मैं उनकी मांगों की पूरा समर्थन करता हूँ। पटियाला तो मनोज शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।